चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। न कटता पेड़ कैंची से न आरी से बाल, हिम्मत न हार छोड़ खुद को संभाल। दिन तो होते कुत्तों के तेरे होंगे साल, तेरे जीते वाले दिन होंगे दुश्मनों के गाल लाल। बाकी जो भी बोलो हे डरो तुम्हारे डैड है बड़े कमाल। स्कैमर हो या हैकर उधेड़ देंगे खाल, उल्टी गिनती कर शुरू हाल होंगे बेहाल। हाथ काट करके वो बाबू और सोना न आए एक बार उनको माँ बाप का ख्याल। ये तुम कर रहे हो है सही, खुद से पूछो सवाल। हिपोक्रेसी भी देखी हमने, कौन कितने झूठे कौन कितने सच्चे। जैसे किया था सपोर्ट तेरी भाषा में, पिकाचू ना समझे वो बच्चे। बात मेरी सुन, अकल के कच्चे माना ना समझे वो बच्चे। लेकिन तुझसे तो अच्छे देखकर जो गालियां समझता को तो कूल। कहता है पिकाचू कामयाबी की वजह गया भूल, माँ बाप ने भेजे बच्चे पढ़ने को स्कूल। इस छोटी सी उम्र में बिगड़ रहे वो बच्चे, कैसे करोगे अपने संस्कारों को वसूल। होंगे वसूल अगर पता लग जाए रूट, खत्म सा फ्री फायर अब क्या होगी कम्युनिटी पॉल्यूट। जब पूछा था उनसे गाली क्यों देते, सबके मुंह पे ताला जैसे दबाया हो म्यूट। 9 साल की उम्र में ही गाली देना सिखा दिया, वार इन्फ्लुएंसर तेरे को मेरा सैल्यूट। क्या है लिखा था रैप बड़ी शिद्दत से, लेकिन हम कोई प्रोफेशनल रैपर तो है नहीं। और देखो 2 घंटे में ये हाल है, अगर 2 साल दे दिए जाए तो हमारे आगे कोई मुसाफिर दिखने को तो है नहीं। I'm Duala, check you with me, and do your job. Erg is the name, Pinballer did the chain. 24 to watch, Prezi playing Jane. फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आई होप तुम लोगों को स्टार्टिंग भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रैप थी एक्चुअली रैप नहीं थी, वो एक तरह की फीलिंग थी जो मैंने एक्चुअली फेस कर चुका। और मैंने नहीं, ये चीज बहुत से बंदों ने फेस की होगी। उसमें कोई तुम्हें रिलेटेबल चीज लगी लाइक अपने मॉम डैड फ्रेंड लव या कुछ भी है, मतलब अगर तुम्हें पिछली वाली रैप थी ये वाली रैप थी अगर कुछ भी रिलेटेबल लगता है तुम रिलेट कर पाते हो तो तुम वो कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। पहली चीज तो ये कि मैं इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, मतलब इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों, हर बंदे को मतलब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं डाल रहे वीडियो। तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअल उसका रीजन क्या था, बट अभी नहीं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखो आज का जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत सीरियस है, लेकिन उससे पहले एक और चीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग शो के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब एकदम पावर पैक और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ शो। तो प्लेग्राउंड लाया वर्ल्ड का फर्स्ट गेमिंग एंटरटेनमेंट शो, जहां पर एशिया के बिग क्रिएटर कैरेमिना, टी ट्रिगर्ड, इंसान, मॉडल, स्काउटोपी एक दूसरे की टीम से कॉम्पीट करेंगे। देखो इतना ही नहीं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट चलेगा 28 दिन तक और जीतने वाली टीम को मिलेगा 50 लाख का प्राइस पूल। फिर वेट किस बात का, जाओ प्लेग्राउंड के चैनल पे रोज शाम को 4:30 बजे एक न्यू एपिसोड देखो, लिंक नीचे दिया हुआ है। देखा क्या सीन था कि फ्री फायर एकदम खत्म सा हो चुका था, मतलब फ्री फायर एक तरह से जो एलिमिनेट वर्जन था वो बैन सा हो चुका था, जिसकी वजह से तुम किसी भी इंडियन ऑपरेटर सिम का इस्तेमाल करके तुम फ्री फायर नहीं कर सकते। एलिमिनेट वर्जन फ्री फायर मैक्स था, उसका भी कुछ अता पता नहीं था कि मतलब कब आएगी मेंटेनेंस, कब अपडेट आएगा, मतलब कुछ भी उसका भी अता पता नहीं था अभी तक। लेकिन फाइनली फ्री फायर मैक्स की मेंटेनेंस आई, अपडेट आया, तब जाके लगा के हाँ चलो मैंने फटाफट डाउनलोड कर लिया, तुम लोगों ने भी कर ही लिया होगा। इस अपडेट से पहले कुछ अता पता नहीं था कि फ्री फायर बैन है, अनबैन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, ना ही फ्री फायर मैक्स का कुछ पता था। लेकिन अब फाइनली जब ये मेंटेनेंस आई है, अपडेट आया, ठीक है, इंडियन सर्वर में लीगली तुम्हें प्ले स्टोर में देखने को मिला है, ठीक है, तब जाके भरोसा हुआ कि हाँ फ्री फायर है, फ्री फायर मैक्स है। तब फ्री फायर एक तरह से बंदे फ्री फायर मैक्स के रूप में खेलेंगे। बताती है कि फ्री फायर मैक्स जो है उसका उतना क्रेज रहेगा कि नहीं जितना फ्री फायर का था। तो देखो अभी तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि फ्री फायर वाले मतलब एक क्रिएटर होता है या फिर कोई भी डेवलपर कुछ भी होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी चीज, उसका प्रोडक्ट है, कुछ भी है, ठीक है, वो कैसे नीचे जाएगा, कैसे डाउन जाएगा, कैसे अप जाएगा, उसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और रही बात फ्री फायर की, तो ये तो बहुत अच्छे जानते हैं, ठीक है, इन्होंने गिव अवे कर करके, मतलब तुमने देखा है, ठीक है, इन्होंने खुद से गिव अवे करे अलग अलग से, बहुत मतलब स्प्रेड आउट करने का मेन रीजन था वो था गिव अवे, ठीक है, क्योंकि फ्री फायर के अंदर ज्यादातर तुम देखो तो बंडल्स वगैरह वगैरह मतलब चीजें, आइटम्स वगैरह वो सब चीज थी, जिसकी वजह से जो ज्यादातर स्प्रेड आउट हुआ ना वो बच्चों में हुआ है। और वो चीजें आगे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री फायर इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा था, ये भी कर सकते हैं। तो रही बात फ्री फायर मैक्स की, तो देखो फ्री फायर जिस लेवल पर था अब तक, हो सकता है कि फ्री फायर मैक्स उससे 10 गुना तगड़ा हो जाए, बट डिपेंड करता है गरीना पर। अगर गरीना इंडियन सर्वर में ध्यान देता है, ठीक है, उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर वो ध्यान देता है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा उसे भी पता है, गरीना को भी पता है ये चीज़ कि सबसे बड़ा इनकम सोर्स
इंडिया था, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की थी, सबसे ज्यादा प्लेयर्स इंडिया के थे, सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स इंडिया के थे, सब कुछ इंडिया, मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी बड़ा प्लेटफॉर्म एक तरह से, ठीक है। अगर कोई भी गेम यहाँ पर आती है तो वो आगे चल के बहुत, मतलब बहुत पैसा भी कमाएगी, बाकी जो फेम वगैरह सब चीज मतलब उस गेम को बहुत मिलेगी, ठीक है। तो फ्री फायर चाहे तो कमबैक कर सकता है बिकॉज अभी मैक्स जिंदा है यहाँ पर। बाकी देखो फ्री फायर बैन हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ फ्री फायर अपना बच्चा फ्री फायर मैक्स छोड़कर गया है, तो हो सकता है कि वो बच्चा बड़ा होकर अच्छा भी बन जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो फ्री फायर मैक्स का वापस से उतना क्रेज आने में टाइम तो लगेगा, ठीक है, टाइम तो फिक्स है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हाँ इतना है कि गैरिना जो है वो चाहे तो कमबैक कर सकता है, क्योंकि देखो पैसा जो होता है ना वो दुनिया नचा सकता है, समझ रहे हो, और पैसा है अच्छे से, अंदा पैसा अभी तक बहुत कमाया है, तो वो चीज़ वापस से इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि गैरिना फ्री फायर वापस से अपना कमबैक कर जाएगा। देखो ये सारी चीजें डिपेंड उसी पे करती हैं। मेरे को फ्री फायर के बच्चे फ्री फायर मैक्स से एक और चीज याद आई कि बॉन्टू ग्लो तुम लोग जानते होंगे सारे एडलम किंग था एक टाइम का बहुत तगड़ा, ठीक है, अभी काफी टाइम से इनएक्टिव है, तो उसका भी बच्चा हो गया, तुम्हें पता है, मतलब बॉन्टू खेलने कब एडलम से हेडशॉट मारते मारते बच्चा कर दिया पता ही नहीं चला है ना। तीन महीने से एक्टिव है मेरे को अभी एक्चुअली कल ही पता चला। वैसे देखो जो भी है सही है, ठीक है, बॉन्ड टुगेदर ने बच्चा कर दिया बहुत बढ़िया, मतलब सब चीज ट्राई करनी चाहिए, ये भी ठीक है भाई। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। और देखो इतने टाइम से इनकंसिस्टेंट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था एक्चुअली, मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पाता मैं तो बता देता हूँ। अपनी ना एक सीरीज आने वाली है, सीरीज इन द सेंस काफी सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, वो किस चैनल पर आने वाले हैं, कहाँ पर आने वाले हैं, या तो इस पे आएंगे या फिर किसी अनदर चैनल पे आएंगे, तो मैं तुम्हें टाइम के साथ बता दूंगा। लेकिन वीडियो रेगुलर अपलोड ना करने का मेन रीजन यही था कि एक सीरीज पर वर्क चल रहा था, तो उसमें कुछ मतलब आपको पता है एडिटिंग शूटिंग वगैरह वगैरह बहुत कोरियोग्राफ वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब ठीक है, तो टाइम वहाँ पर जाता था, एंड अभी मतलब मैनेज कर लेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा कम है काम, ठीक है, तो हो जाएगा, बट अभी रेगुलर कंसिस्टेंटली अभी तुम्हें शायद से कल या परसों में वीडियो देखने को मिलेगी, बहुत सारी काम की वीडियोस आने वाली है। रही बात सीरीज की कब आएगी कहाँ आएगी कैसे आएगी क्या आएगा सब चीज तुम्हें टाइम पे पता लग जाएगा, बट हाँ मिनिमम एक महीना रख के चल लो, ठीक है, टाइम लगेगा अभी उस चीज में। देखो बहुत सारी चीजें बची है और एक साथ एकदम भंडार होने वाला, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजों का और मजा बहुत आएगा, सारे बंदे पहुंच जाना अपने। बाकी देखो सारे सोशल मीडिया पे वापस से एक्टिव हो जाओ, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, अपना सेकंड चैनल हो गया, और डिस्कॉर्ड स्पेशली डिस्कॉर्ड के कुछ मेंबर्स प्रूंड हो गए, मतलब उड़ गया एकदम डिस्कॉर्ड अपना, ठीक है, तो अब से नया डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, और एट द एंड तुम्हें डिस्कॉर्ड पे जाना ही पड़ेगा, तो पहले ही ज्वाइन करके रख लो एकदम। मैंने जो पिछली और आखिरी वीडियो डाली थी उसमें काफी सारे कमेंट्स आए थे कि शिवा भाई बोल दिया करो सब्सक्राइब वगैरह ये वो, मतलब सब्सक्राइब कर देंगे बंदे, बट देखो ऐसा है एक्चुअली मैं आज तक ना तो मैंने कभी बोला है, ठीक है, बंदों को क्या सब्सक्राइब करो ये करो वो करो, ठीक है, और ना ही कभी बोलूंगा, मेरा मानना क्योंकि ये है कि अगर तुम्हारा कॉन्टेंट अच्छा है, ठीक है, बंदों को मजा आ रहा है, बंदा तुम्हारे कंटेंट से कहीं ना कहीं एंटरटेन हो रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली तुम सब्सक्राइब कर देगा, नहीं भी करे ना तो ऑटोमेटिकली बंदों को वीडियो रिकमेंड होती है, ठीक है, आजकल सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं होता करने ना करने से, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही तुम देखोगे उसकी वीडियो, ठीक है, आगे चल के मजा आ रहा है अगर तुम वीडियो को ऑटोमेटिकली वो कॉन्टेंट तुम्हें रिकमेंड हो जाएगा। तो अगर बोलने से सब्सक्राइबर बढ़ते तो फैम क्लासर के अभी तक 1 मिलियन हो चुके होते, समझ रहे हो, मतलब इतना सब करने के बाद भी इतने किसे जा रही है, अपना तो चलो अपन ने तो कुछ एफर्ट्स लगाए नहीं, ठीक है, तो चलो हम कर लेंगे 10-15 दिन लगेंगे थोड़ा बहुत डाउन जाएगा, लेकिन उठा लेंगे, ठीक है, अपन को आता है कैसे उठाना कैसे कराना है। लेकिन देखो कुछ लोग हैं मतलब अच्छी खासी घिसाई चल रही है उसके बावजूद भी वहां पर 3,000 सब्सक्राइबर माइनस हो रहे हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हो रहा है, बट बाकी देखो ये सब छोड़ो, अगर तुम्हें कोई काम करना हो ना तो एक चीज याद रखना, ठीक है, दुनिया बोलेगी, ठीक है, ये चीज मैं बनाता हूं ना कुछ भी करता हूं, लाइक पहले शायरी बोलते थे डायलॉग बोलते थे अभी रैप ये वो, ठीक है, मतलब अपना चलता रहता है, ठीक है, जो मनाता है वो करते हैं अपन, लेकिन हाँ तुम अगर कुछ करने का मन करता है ना दिल से तो भाई करो, ठीक है, दूसरे बोलते हैं बोलने दो क्योंकि उनका काम बोलने का है और तुम्हारा करने का, ये डिफरेंस याद रखना एकदम दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो ना अपना खुद का बादशाह बनो एक तरह से, मतलब ठीक है कुछ भी करना है ना बादशाह एक तरह से, मतलब मान के चलो तुम नरक के राजा बन जाओ भले ही, लेकिन स्वर्ग का नौकर मंजूर नहीं रहना चाहिए कभी। बाकी अब तुम देखते जाओ, मतलब एकदम लगातार कंटेंट पे कंटेंट, ऊपर से बंदो कंटेंट में तुम्हें तो मजा आएगा ही आएगा, ठीक है, बाकी वीडियो एंड करने का टाइम हो चुका है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खत्म।